स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद एमएल। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है बूटस्ट्रैप का, लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बटन्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ऑसम सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा लेक्चर है बटन्स, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाला है नेक्स्ट जाके, तो लेक्चर पूरा सुनिए। तो पहली हमारी स्लाइड है जिसमें एक लिखा हुआ है बटन स्टाइल। अच्छा ये बटन स्टाइल, बूटस्ट्रैप प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन स्टाइल्स ऑफ बटन। अच्छा बूटस्ट्रैप में हमें बहुत ज़्यादा बटन मिलते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स का बटन मिलते हैं, ठीक है। जिसमें इसकी क्लास क्या है, बटन क्लास है BTN, ठीक है। हम जब BTN लिखेंगे देन हमारा बटन होगा, बूटस्ट्रैप की क्लास है BTN, हम BTN को ही बटन कहते हैं, ओके। बटन तो हमने लिखने लेकिन क्लास देनी है BTN की, तो ही वो शो होगा बूटस्ट्रैप में, ओके। तो इसकी कितनी क्लासेज हैं बूटस्ट्रैप की, बटन्स की क्लासेज है, पहले BTN सिंपल होती है, ठीक है, बाद में डिफॉल्ट आ जाती है। देन प्राइमरी सिजेस इन्फो वार्निंग डेंजर लिंक, ये क्लासेज है BTN की, ठीक है। ये प्राइमरी सिजेस इन्फो, ये तो आपने सारा पढ़ा ही होगा लास्ट वाले लेक्चर में जिसमें मैंने आपको स्टाइल्स का बताया था, ठीक है। अब ये उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने BTN के कलर्स दे दिए हैं। अच्छा जब हम लिखेंगे क्लास BTN डिफॉल्ट, जब हम डिफॉल्ट का बटन लिखेंगे ना तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये देखें डिफॉल्ट जिसमें, ठीक है, ये डिफॉल्ट है हमारा बटन, ये प्राइमरी है, ऐसे इन्फो, ये ऐसे शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की स्लाइड हम पढ़ते हैं जिसमें है बटन के साइजेस। अच्छा बटन का साइज भी हमने देना होता है, तीन किस्म के साइज है। अच्छा तीन साइजेज हैं इनमें, बूटस्ट्रैप में तीन साइज है। बूटस्ट्रैप प्रोवाइड फोर बटन, ये फोर बटन प्रोवाइड करती है जिसमें दस क्लासेस डैट डिफाइन द डिफरेंट साइजेस, जिनमें तीन साइज होते हैं, ठीक है। चार बटन होते हैं, तीन साइज होते हैं। अच्छा तीन साइज ऐसे होते हैं, एक तो लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल होता है, उसमें हमें कोई भी क्लास नहीं देनी पड़ती, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर बटन क्लास BTN प्राइमरी BTN लार्ज, LG मतलब लार्ज, SM स्मॉल, XS मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। ये तीन क्लासेस हैं BTN की, लार्ज की मतलब साइजेस की, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लॉक लेवल बटन्स। अच्छा ये भी बड़ा ऑसम सा बटन है ब्लॉक लेवल बटन, जिसमें ये है ब्लॉक लेवल बटन स्पैन द इंटीरियर वाइथ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। अच्छा ये बटन ब्लॉक बटन क्या करता है, आपकी जितनी भी स्क्रीन होती है ना उस पूरे पे आ जाता है, उस पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। अगर आप एक कंटेनर यूज कर रहे हो तो ये कंटेनर के पूरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये पेरेंट टैग होता है, पेरेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। एड क्लास डॉट BTN / ब्लॉक टू क्रिएट अ ब्लॉक लेवल बटन। अच्छा ब्लॉक लेवल बटन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है BTN हाइफन, मतलब ये स्लैश या हाइफन है ब्लॉक, ब्लॉक ये जब आप क्लास दोगे तो ये आपका बटन ब्लॉक में बन जाएगा। अच्छा तो इसकी आप देख लो कोड टाइप बटन है, टाइप को छोड़ भी दो। अच्छा क्लास इक्वल है BTN प्राइमरी BTN ब्लॉक, जब तक आप BTN ब्लॉक नहीं लिखोगे ऐसा ब्लॉक में नहीं बनेगा, ओके। नेक्स्ट हमारा एक्टिव और डिसेबल है। अच्छा ये भी बहुत आसान सा है और बहुत ही यूज होने वाला बटन है, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कुछ बटन एक्टिव होते हैं, एक्टिव मींस के उन पे ऐसे लगता है जैसे पहले कर्सर रखा हुआ है, लेकिन कुछ बटन ऐसे होते हैं जो बटन तो बने होते हैं लेकिन प्रेस नहीं हो पाते। जैसे कि अक्सर अगर हम वेबसाइट्स मूवीज वाली वेबसाइट पे जाते हैं ना तो डाउनलोड का बटन बना होता है लेकिन काम नहीं कर रहा होता, वो डिसेबल हुआ होता है। अच्छा तो ये पढ़ते हैं हम, बटन कैन बी सेट टू एन एक्टिव अपीयर प्रेस्ड और अ डिसेबल अनक्लिकेबल स्टेट। अच्छा आगे हम पढ़ते हैं द क्लास डॉट एक्टिव मेक द बटन अपीयर प्रेस्ड। अच्छा जब एक्टिव की क्लास लगाते हैं तो वो अपीयर प्रेस्ड हो जाता है, मतलब कि हम उसे प्रेस कर सकते हैं। एंड द क्लास डिसेबल मेक द बटन अनक्लिकेबल। अच्छा जब हम डिसेबल की क्लास लगाते हैं तो वो डिसेबल हो जाता है, मतलब कि हम उसे क्लिक कर ही नहीं सकते, वो शो होगा लेकिन क्लिक नहीं होगा। अच्छा इसका कोड है बटन टाइप बटन क्लास है BTN प्राइमरी एक्टिव, जब हम एक्टिव लिखेंगे अपने कोड में देन वो एक्टिव होगा और डिसेबल लिखेंगे वो डिसेबल हो जाएगा। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट से लेके यहाँ से। अच्छा तो ये मेरा कोड है सारा, मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये हो गया कॉपी गाइस, और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये मैंने फाइल बनाई हुई है ड्रीमवीवर में, ये मैंने किया पेस्ट इसे। अच्छा तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा लाइन में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, दरअसल मैंने वहाँ पहले ही लिखा होता है इसका, ये मुझे आसानी कर देता सॉरी, और आपको बोर भी नहीं होने देता है ताकि आप। अच्छा ये तो मैं इसलिए करता हूँ कि आप बोर ना हो, कि मैं टाइपिंग करता हूँ और आप बोर होते रहो, ये मैंने इसलिए वहीं सारा लिखती होता है। और ये हो गया, इसे मैं करता हूँ सेव, अब इसे मैं करता हूँ ओपन गूगल, सो फाइनली ये शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि प्रॉब्लम इसमें है, बीटीएन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम एक और लगा के देखते हैं फाइल, यहाँ हम लिखते हैं पी क्लास पीजी डेंजर, अभी रन करके देखते हैं। हाँ जो कि ये हो रहा है, लेकिन ये नीचे ये नहीं हो रहा। अच्छा तो ये क्यों नहीं हो रहा, इसको देख लेते हैं हम। अभी देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ हमने सारा पहले टाइप भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो स्टूडेंट यहाँ मैं टाइप लिख देता हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, अभी टाइप लिख लेना। मुझे ये था कि टाइप के विदाउट भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं चला, आई डोंट नो क्यों नहीं चला। तो ये मैंने टाइप लिख दिया, अभी हम देखने वाले हैं बटन अपने। हमने बटन देखे, बिल्कुल भी शो नहीं हुए। अब ये क्यों नहीं शो हुए, इसका तो मुझे भी नहीं पता। बाय द वे कर लेते हैं शो, मसला कोई नहीं है। इसमें लिखा बटन लिखा डिफॉल्ट, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इसका प्रॉब्लम हो सकता है, हम एक न्यू बटन बनाते हैं जिसमें इसकी क्लास देते हैं btn की। इसे हम ऑफ करते हैं, इसके अंदर ये लिखते हैं, ये एक बटन आ गया। यहाँ हम br का टैग देते हैं। अच्छा अब btn तो आ गया, अभी btn डेंजर करते हैं और अब देखते हैं। और ये देखो गाइस ये बना आ रहा है। अब ये ऊपर यहाँ क्यों नहीं आ रहा, यहाँ ये इसलिए नहीं आ रहा होगा कि मैंने किया कॉपी पेस्ट, इसलिए शायद। btn डेंजर मैं करता हूँ यहाँ अपने, सो गाइस इसे छोड़ो, हम खुद ही सारा लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, आपने ये btn लिखा, यहाँ क्लास देनी है, आपने क्लास दे दी आपने, और फिर आपने लिखना है btn। ये btn होगा बटन बनाने के लिए। अगला btn हम करते हैं उसे कलर देने के लिए। btn को हम, ये डेंजर है, डेंजर को मटा के हम यहाँ लिख देते हैं वार्निंग। ये वार्निंग दे दिया, ठीक है। अभी हम इसे क्लोज करते हैं, ये हो गया क्लोज, और यहाँ लिखते हैं वार्निंग, और इसे किया सेव, और अभी देखते हैं अपनी आउटपुट। और गाइज ये देखो ये वार्निंग वाला बन गया, ठीक है गाइज। ऊपर वाले को इग्नोर करो, और ये आप जब लिखोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। ये देखो गाइज ये बड़े औसम से बटन होते हैं बूटस्ट्रैप में, ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये तो बटन हो गए गाइज, और आगे है हमारा साइजेस बटन के, ठीक है। ये रहे साइजेस, अभी इसे कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं अगर ये काम करके तो, ठीक है, नहीं तो भाई हम खुद ही कर लेंगे। ये दिया ब्रेक और ये किया पॉज, शॉर्ट को इग्नोर करो। अच्छा तो ये भी काम नहीं किए, तो ये भी हम खुद ही लिखेंगे गाइस। ये रहा हमने किया बटन, बटन आ गया हमारे पास, हमने क्लास दी गाइस btn की, जिससे ये btn बन गया। अब btn हमने कर देना है डेंजर, ये btn डेंजर हो गया। अभी हम इसमें, अभी हम इसे क्लोज करते हैं और इसमें लिख देते हैं लार्ज, ठीक है गाइस। अभी पहले तो इसे हम रन करके देखते हैं, ये लार्ज आपके पास लिखा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर लगाने वाले हैं एक और क्लास जिसमें हम लिखेंगे btn btn lg, ठीक है। जब हमने btn lg लिखा, और अब इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो गाइज ये बटन लार्ज हो गया थोड़ा। अभी हम इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं,
ठीक है गाइस, ये लार्ज लार्ज बने आगे। अभी हमने दूसरा यहाँ पे यूज़ करना है एस एम का, ठीक है। जब हमने एस एम लिखा तो यहाँ देखो ये एक स्मॉल हो गया। अभी हम एस एम की जगह एक्स एस, ये जब हम करेंगे ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो तीनों का साइज चेंज है, ओके। तो ये है हमारे पास साइजेस। नेक्स्ट है हमारा बीटीएन ब्लॉक, ठीक है गाइस। अभी बीटीएन ब्लॉक हम करते हैं, वो भी बहुत ही इजी सा है। हमने यहाँ देनी है ब्रेक नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। यहाँ हमने बीटीएन का एक बटन बनाया, ठीक है। अब उसके अंदर हम देंगे क्लास, क्लास दे दी जिसमें हमने बीटीएन पहले बनाया, फिर बीटीएन का कलर दिया हमने, बीटीएन कलर का बीटीएन ब्लॉक कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है। बीटीएन ब्लॉक कर दिया, इसे सेव किया और यहाँ लिख देते हैं ब्लॉक और इसे करते हैं रन। और अभी हम बीटीएन को कर देते हैं प्राइमरी, अब देखते हैं गाइस। इसे क्या हमने प्राइमरी, ये हो गया गाइस प्राइमरी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं बीटीएन ब्लॉक और ये ब्लॉक बना आ गया पूरे पेज पे, ठीक है गाइस। ये देखो आप क्या करना, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। सॉरी गाइस, करना क्या है, बटन लिखना है क्लास इक्वल है आपकी बीटीएन, बीटीएन बटन बनाने के लिए, बीटीएन प्राइमरी उसको कलर देने के लिए, और बीटीएन ब्लॉक उसका साइज बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। ये एट अ टाइम हम तीन क्लासेस यूज कर सकते हैं, ओके। इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, हम जितनी मर्जी क्लासेस यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। अभी हम ब्रेक करते हैं यहाँ एक और। अब हमारा नेक्स्ट है एबल और डिसेबल। हमने एक बटन बनाया और क्लास दे दी हमने इसे बीटीएन के, और इसे हमने बीटीएन लिख दिया, इसे इन्फो का कलर दे दिया, ठीक है। इसे किया क्लोज और यहाँ हम लिखते हैं एक्टिव, ठीक है। अभी हम इसी को कॉपी करते हैं डिसएक्टिव करने के लिए, इसे ही नीचे कंट्रोल सी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं डिसेबल, डिसेबल। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये दोनों बटन का आउटपुट। ये दोनों बटन है जो कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कलर दोनों के चेंज हो रहे हैं। अभी हम इसे करते हैं, एक को एक्टिव करते हैं, ये मैंने लिख दिया एक्टिव, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो आप देख लो कलर में तो इसका कलर ज़्यादा बेटर है, इसका हल्का सा कलर है, ठीक है ना। जब मैं इसे इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तब भी इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, लेकिन इसका पहले क्योंकि ये एक्टिव है। अभी दूसरे को डिसेबल करते हैं तो आपको वाजिया नज़र आ जाएगा। ये क्या डिसेबल, डिसेबल्ड। अच्छा, तो गाइस ये देखो ये डिसेबल हो गया, इसका कलर आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक्टिव है, ये डिसेबल, अभी आपको बिल्कुल सही से कलर नजर आ रहे होंगे। और ये थे हमारे आज के जिसमें हमने सारा कुछ पढ़ा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास नहीं है फाइल मेरी गाइस, ये देखो हाँ ये है। हाँ, यहाँ मैं आपको फिर एक बार पूरी असाइनमेंट समझा देता हूँ जिसमें हमने पढ़ा बीटीएन क्लास। ये सारी हमारी बीटीएन की क्लासेज है, वार्निंग, ये हमारे कलर बीटीएन हमारे मतलब कि हमारा सारे बटन्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा एक्टिव और डिसेबल, ये था एक्टिव और ये था डिसेबल जो कि काम ही नहीं करता, ठीक है। ये देखो डिसेबल नहीं हो रही है, डिसेबल ये काम कर ही नहीं रहा, मैं क्लिक करूँगी तो। ये था इमेज वाला, ये आपने पढ़ा, इसे इग्नोर करो आप। और आपने ठीक है गाइस, बस इतना ही पढ़ा आज आपने, नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे गाइस, ओके। तो अगर आपको वीडियो तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो मेरी वीडियो, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।